मना क्रोध हा खेद कारी न कोरे मना काम नाना विकारी न ना कोरे मना लोभ विकारु न कोरे मना मत्सरु दंभ करो ना कभी क्रोध जो खेद दाता नहीं सोचना काम जो रोग दाता कभी ना फसो लोभ के आचरण में कभी ना भरो दंभ ईर्ष्या को मन में नमस्कार विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी श्रोताओं का दर्शकों का हार्दिक स्वागत मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आपको मन के श्लोक इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करता हूँ राधापुर डॉक्टर विश्वनाथ कराज़ जी की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर हम सकारात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं यशवंत व्यक्तिमत्व विकास इस शिष्य के अंतर्गत कई प्रोग्राम इस चैनल पर होते हैं मैं जो आपके सामने बात करूंगा वो महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाते श्लोक ये जो किताब है उसका हिंदी रूपांतर मैं कर रहा हूं और एक एक हिंदी श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं आपके साथ वार्तालाप करूंगा पहले पांच एपिसोड हमने किए हैं उस वक्त हमारे साथ कुछ विद्यार्थी भी थे लेकिन आज हमारे साथ एक ही विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी मैं हूँ और आप सब दर्शक मेरे शिक्षक हैं समुद्र रामदास जी कहते हैं कि आप ही हो जगदीश मूर्ति श्रोताओं से कहते हैं समुद्र रामदास जी आप ही हो जगदीश मूर्ति वहाँ मेरी कैसी ही बुद्धिहीन अल्पमति मित्रता करता हूँ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और इसलिए आज इस एपिसोड में कोई विद्यार्थी नहीं है आप सवाल पूछ सकते हो कमेंट्स में आप सुनो सब्सक्राइब करो सबके पास जाने दो मन के श्लोक आज का जो श्लोक है उसका क्रमांक है छ और वो श्लोक ऐसा है करोना कभी क्रोध जो खेद दाता नहीं सोचना काम जो रोग दाता कभी ना फसो लोभ के आचरण में कभी ना भरो दंभ ईर्षा को मन में समोद रामदास जी मनुष्य के मन के बारे में बात करें कि आचरण शुद्ध होने के लिए क्या होना चाहिए तो पहली लाइन ये कहती है कि करो ना कभी क्रोध जो खेद जाता क्रोध अग्नि है उसमें क्रोधी खुद जलता है क्रोध आने के पश्चात की स्थिति और क्रोध जाने के बाद की स्थिति में फर्क है कितने बार ऐसे होता है सौ में से निन्यानवे बार ऐसे होता है कि क्रोध जाने के बाद मनुष्य के मन में ऐसे लगता है कि क्या मैं बिना वजह तो गुस्सा नहीं किया ये बिना वजह गुस्सा नहीं किया ऐसा खेद अपने ही मन में तैयार होता है क्योंकि क्रोध अग्नि है तो सुनने वाला जलने से पहले क्रोधी खुद जलता है और इसलिए मन में कभी क्रोध नहीं आना चाहिए क्रोध आने से आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें फर्क पड़ता है हमारे शरीर में जो खून है उसके अभिसरण का जो स्पीड है वो बदलता है और इसलिए जो गुस्सा करता है वो लाल दिखाई देता है शरीर पे असर होता है उसका उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने के पश्चात आगे जाके जब उम्र बड़ी हो जाएगी तो वो अधिक तकलीफ देता है और इसीलिए तो विकास का ये बहुत अच्छा नमूना है पहले क्रोध मत करो और इसलिए वो कहते हैं कि करो ना कभी क्रोध जो खेद दाता दूसरी बात कही है नई सोचना काम जो रोग दाता अब जो षड है उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये षड है अब काम के बारे में बात की जाती है रिपु है जो शरीर को नुकसान देते हैं जब हम कहते हैं जहाँ तक काम का सवाल है यानी कि सेक्स का सवाल है और वो रोगदाता है इसलिए ये जो शड्रीपू हैं उनका अतिरिक्त होना भी शरीर को नुकसानदायक होगा और इसलिए ये कहा गया है दूसरे चरण में नई सोचना काम जो रोगदाता आजकल के जीवन में हम वही देखते हैं वायलेंस देखते हैं और सेक्स देखते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो कल्पना की जाती है आजकल के सभी मीडिया वर्ग में उसमें बुद्धि और प्रेरणा तो ये जो चीज़ें हैं षड्रिपु की वो प्रेरणा से तैयार होती है तो बुद्धि ने उस पर अमल करना चाहिए वो बुद्धि अमल नहीं करती इसलिए आज हम सभी दुख भोग रहे हैं आज से अगर हमें मन को शांति चाहिए तो बुद्धि से कंट्रोल करेंगे हम षड्रिपु को तभी बात बनेगी और इसलिए समोत रामदास जी कह रहे हैं कि ये आवाहन जो है वो मन को है और बुद्धि को है क्योंकि मन अगर तैयार होगा वैसे तो कर्म नहीं किया जाएगा और अगर कर्म नहीं किया जाएगा तो बुद्धि कर्मानुसारिणी जो कहा गया है उसमें कर्म के अनुसार बुद्धि काम करती है इसलिए भगवद्गीता में भी श्लोक है कामाद भोति क्रोधात क्रोधात भोति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाश हो बुद्धिनाश हो सब नाश हो जाएगा ये जैसे अनुभव की बात है वैसे ये सावध करने वाली भी बात है इसलिए हमें समोत रामदास जी इस मन के श्लोक में अलर्ट कर रहे हैं हमें कि क्रोध और काम पर नियंत्रण करना चाहिए फिर क्या कहते हैं कभी ना फसो लोभ के आचरण में लाभ के आचरण चाहिए हमें लोभ के आचरण नहीं चलते और लोभ के आचरण यानी कि ग्रीड जो नीड है और जो ग्रीड है तो ग्रीड में लोभ का आचरण आ गया मैं अमीर हूँ हाँ मैं बिल्कुल अमीर हूँ तो आप कैसे अमीर हो आपके पास क्या बड़ी बड़ी कार्य हैं क्या नहीं 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 वो नहीं है मेरी जो नीड्स है मेरी जो ज़रूरतें हैं वो जरूरतें मुझे जो पैसा मिलता है उससे कम है इसलिए मैं अमीर हूँ समझ रहे हो आप और यही बात होनी चाहिए लोभ नहीं होना चाहिए एक साधु था उसको भगवान ने चिंतामणि नाम का एक मणि दिया तो साधु ने पूछा भगवान से कि क्या बात है ये तो बोले ये मणि है जो तुम इच्छा करो वो पूर्ति करेगा तो साधु बोला मैं तो साधु सन्यासी हूँ मुझे क्या इच्छा होगी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मणि नहीं चाहिए लेकिन भगवान ने कहा मैंने तो दे दिया तुम्हें अब तुम्हें जिसको देना है वो दे दो तो साधु सोचता है इस नगरी में जो सबसे बड़ा भिखारी है उसको देता हूँ तो ढूंढने निकला देने के लिए और ढूंढते 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 पहला भिखारी मेरा भिकारी का मुझे तो सिर्फ दो रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए फिर मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं लेके क्या करूँ ऐसे करते करते सबसे अमीर जो राजा था उस नगरी का वो राजा सबसे बड़ा भिकारी निकला क्योंकि उसकी जो आय है यानी कि इनकम है वो ज़रूरत से कम है इसलिए ग्रीड और नीड हमें नीड चाहिए हमारी ज़रूरतें हैं लेकिन अगर ज़रूरतें जब पैसा कमाते हो उससे अगर कम करोगे तब अमीर बनते हो और इसलिए ये जो अतिरिक्त लोभ है पैसा कमाना ये लाभ की बात है ज़्यादा पैसे की इच्छा रखना और ज़रूरतों से ज़्यादा पैसा होना ये चीज़ और पैसों से ज़्यादा ज़रूरतें होना ये चीज़ तो लोभ नहीं होना चाहिए तो लोभ किस चीज़ का नहीं होना चाहिए ज़रूरतों का भी लोभ नहीं होना चाहिए इसलिए समत रामदास जी कह रहे हैं कभी ना फंसो लोभ के आचरण में चौथी लाइन कहते हैं कभी ना भरो दम्भ ईर्षा को मन में गर्व मत करो गर्व करने से कुछ फ़ायदा नहीं है मन में जो दम है वो दम निकालना है ईर्ष्या जो है ईर्ष्या और स्पर्धा इसमें फर्क है स्पर्धा जो है वो स्पोर्टिव हो सकती है लेकिन ईर्ष्या हर वक्त स्पोर्टिव नहीं हो सकती ईर्ष्या के मन में वो दुविधा है कि अरे ये मुझे मिलना है या नहीं मिलना है या अगर मुझे नहीं मिलेगा तो उसे भी नहीं मिलेगा पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि ये पाप संकल्प होता है फिर इसलिए पाप संकल्प ना हो तो मन में दम्भ और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए अगर वो नहीं होगी तो तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर तंदुरुस्त रहता है प्रकृति निरामय रहेगी जिसके माध्यम से आप आनंदी रहते हो दिखते हो और दुनिया को भी वैसे सिखाते हो और इसलिए मन के श्लोक के छठे श्लोक में बहुत अच्छी तरह समर्थन रामदास जी ने श्रिपुओं से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में लोभ ज़्यादा अगर पूर्ति हो गई उसकी तो दम्भ तैयार होता है मन में और दंभ होने के कारण कई हैं उसमें एक कारण है ईर्ष्या है और इसलिए चौथे चरण में समत रामदास जी ने कहा है कि दम्भ मत करो ईर्ष्या मत करो फिर एक बार मैं श्लोक आपके सामने दोहराता हूँ समझ लीजिएगा क्या श्लोक है वो करो ना कभी क्रोध जो दाता नहीं सोचना काम जो रोग दाता कभी ना फंसो लोभ के आचरण में कभी ना भरो दंभ ईर्ष्या को मन में सुन रहे हो अगले हफ्ते मिलेंगे फिर सातवें श्लोक के साथ में और उम्मीद करता हूँ उस वक्त मेरे साथ विद्यार्थी भी होंगे आज विद्यार्थी नहीं है लेकिन जैसे मैंने कहा एक विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी मैं हूँ और आप दर्शक मेरे शिक्षक हैं तो आपको कैसे लगा कुछ सूचनाएँ हैं तो मुझे भेज दीजिएगा एक सूचना ज़रूर आई है कि हिंदी श्लोक के पहले या बाद में कहीं पे जो मूल मराठी श्लोक है उसका भी हमारे सामने प्रस्तुतिकरण हो देखते हैं कोशिश करूँगा इसी भाग में इसी एपिसोड में मराठी श्लोक भी आपके सामने प्रस्तुत होगा यानी कि जिनको भाषांतर मैंने कैसे किया है ये देखना है <laughs> वो जो भाषांतर के शिक्षक है वो मुझे सूचना भेज सकते हैं इस एपिसोड के ये एकमेव विद्यार्थी को तो ये विद्यार्थी आज यहीं पर रुक रहा है आप सभी दर्शक शिक्षकों के सामने मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक बार मन के श्लोक के साथ तब तक के लिए नमस्कार